फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बागपत लोकसभा सीट से रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान आज पूरी तरह से भाजपा से हुए गठबंधन के रंग में रंगे रंग जा रहे। राजकुमार सांगवान ने कहा कि वह चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चौधरी साहब के सपनों को साकार कर रहा है। देश ईमानदार नेतृत्व के हाथ में है। और अंत में कहा कि जो राम को लाए हैं वह उनको भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं वह मुझको भी ले आएंगे। राजकुमार सांगवान मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली से पूर्व संबोधन कर रहे थे। लगातार 42 साल तक पार्टी की ईमानदारी व निष्ठा से सेवा करने के फलस्वरूप रालोद ने उन्हें बागपत सीट से प्रत्याशी बनाया है। देखिए क्या कहा राजकुमार सांगवान ने। दो विचारों का मिलन राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो किया है वो देश की समृद्धि खुशहाली के लिए और एक साथ करने का जो संकल्प दिया है, मुझे एनडीए गठबंधन की ओर से बागपत लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। मैं श्रद्धे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का शिष्य हूँ, उनकी विचारधारा पर चलने का काम कर रहा हूँ और आज देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके सपनों को साकार कर रहा है। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जैन जी ने मुझ पर तो भरोसा किया है कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि जहाँ से उस पावन भूमि से मुझे प्रत्याशी बनाया है बागपत लोकसभा से, ये मेरे ऊपर मेरे जीवन के लिए ये परीक्षा की घड़ी है और आपके सहयोग के बिना मैं इस परीक्षा में खड़ा उतरने में आपका सहयोग मांगता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दोनों विचारों का मिलन किया, गठबंधन किया, उनकी ओर से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं तो केवल तकत तो गरीब वाला इंसान हूँ। आज देश ईमानदार नेतृत्व के हाथ में है, प्रदेश ईमानदार नेतृत्व के हाथ में है। मैं भी बिल्कुल गरीब और तकत वाला हूँ। मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो चौधरी साहब ने मुझे भरोसा किया है, जो देश के नेतृत्व ने मुझे भरोसा किया है, मैं देश की संसद में बैठकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम सीख कर और आपके जो सेवा कर सकूँ, ये मैं संकल्प लेता हूँ। साथियों, मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, ये नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मेरी भी प्रार्थना है जो राम को लाए हैं वो मुझे भी ले आएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।